आप लोग जरा कुंज आप लोगों ने देखा होगा कल, यस सर। तो मैं आशा कर सकता हूं कि अब मैं कुंज के पेज नंबर 36, मैंने नोट किया हुआ है, ये पेज नंबर 36, एग्जाम्पल नंबर 7, पेज 36, एग्जाम्पल 7। तो यहां आप देखेंगे तो यहां पे जो एग्जाम्पल है ये है द सोल्यूशन स्पेस, द सोल्यूशन स्पेस, द सोल्यूशन स्पेस, द सोल्यूशन स्पेस ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इक्वेशंस इसके बारे में है कि जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका जो सॉल्यूशन स्पेस है, ये सॉल्यूशन स्पेस वो वेक्टर सब स्पेस होगा, ये बताया गया इस एग्जांपल में। मतलब ये इसके बारे में लिखा गया है, तो आप देखिएगा, लेट ए बी एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर फील्ड एफ, मैट्रिक्स ओवर फील्ड एफ, मैं कुंज की लाइन लिख रहा हूं, ओवर फील्ड एफ द देन द सेट ऑफ, देन द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस वन, एन क्रॉस वन एक्चुअली इज वॉट, इस कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एन क्रॉस वन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस एक्स ओवर ओवर फील्ड एफ सच दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ए सब स्पेस ऑफ, इज ए सब स्पेस ऑफ। अनिकेता आपका माइक ऑन हो गया, ये सब स्पेस ऑफ सच दैट एक्स इक्वल टू जीरो इज ए सब स्पेस ऑफ, ये सब स्पेस ऑफ ऑल एन क्रॉस वन मैट्रिसेस ओवर एफ, मतलब इस एग्जाम्पल में बताया गया है, इस एग्जाम्पल में आपको बताया गया है कि जो सॉल्यूशन स्पेस है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो सब स्पेस होता है।
इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ ऑल एन क्रॉस वन मैट्रिसेस, वेक्टर सब स्पेस ऑफ इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ ऑल एन क्रॉस वन मैट्रिसेस ओवर एफ। तो अगर इसे प्रूफ करना होगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। प्रूफ करना पड़ेगा तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये दिखाना होगा, हमें ये दिखाना होगा कि लेमडा ए प्लस बी लेमडा ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो की दिखाना होगा। लेमडा इज व्हाट, लेमडा क्या है यहाँ पे, है स्केलर फील्ड से। स्केलर, ठीक है। तो मतलब हमें ये दिखाना होगा, अगर आपको प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो बात लिखी है ये दिस मच, ये जो सब स्पेस है, तो आपको दिखाना होगा कि जो सेट है द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, तो इसमें वेयर जहां पे ये दिखाना होगा वेयर ए एक्स इज जीरो एंड बी एक्स इज जीरो एंड मतलब अगर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है आपके पास, बी एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो आपको ये दिखाना होगा कि सही मैं बोल रहा हूं कि नहीं, ये आपको यस प्रूफ कर, सर, तो ये तो इजीली प्रूफ कर सकते हैं, ये आपको पता है तो ये हो जाएगा। क्यों नहीं गया था, यस सर। तो ये सोल्यूशन स्पेस आपको ध्यान रखना है कि जो सोल्यूशन स्पेस होता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो सब स्पेस होता है ऑफ ऑल एन क्रॉस एन, मतलब ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिसेस बोलूं ज्यादा ठीक रहेगा, ऑफ ऑल कॉलम मैट्रिसेस व्हाट द फील्ड है। रिजल्ट देख लिया आपने, एग्जांपल देख लिया, नोट कर लिया, यूज, यस सर, इसमें कोई डाउट है, बस नो सर। अब कुछ देखिए इन पे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल नंबर वन, कि लेट एम एन आर द वेक्टर स्पेस, दिस इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस, ऑल रियल मैट्रिसेस, रियल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, ओवर आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग इज आर सब स्पेस ऑफ, सब स्पेस ऑफ एम एन क्रॉस, सॉरी एम एन ओवर आर,
आप है मैं। पहला देता हूं कि यूएन नाम दे देता हूं। यूएन इज इक्वल टू ऑल दोज मैट्रिसेस, ऑल दोज मैट्रिसेस एम क्रॉस एन, ऑल दोज मैट्रिसेस जहाँ ये एन ऑर्डर का लिख रहा हूँ या एम क्रॉस एन लिख रहा हूँ, कोई कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी आपको? सर एन क्रॉस एन होगा नीचे भी। नहीं, मैं एम क्रॉस एन लिखना चाह रहा था। चलिए एन क्रॉस एन ही लिख देता हूँ ना। यस सर। ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। यस सर। सच दैट कि देखिए, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन, सी आई जे ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर्स सी आई जे, ये सेट समझ आया? यू एन इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, सम ऑफ दिस। तो ये बताइए, ये सब स्पेस है या नहीं? यस या नो? कौन बताना चाहेगा? आप लोग मुझसे कोई बताना चाहेगा? बन जाएगा सर। ये तो स्पेस होगा। यस सर। कैसे? कैसे? तो अगर आप देखें इसे ध्यान से, तो ये क्या चीज है? इसको अगर लिखा जाए तो ऑल दोज मैट्रिसेस वी सेटिस्फाई दिस कंडीशन, इसको कुछ ऐसे लिख सकते थे। इसी चीज को देखिए भी ध्यान से, ऑल दोज मैट्रिसेस ऐसे लिखा जाए, ऑल दोज मैट्रिसेस वी सेटिस्फाई ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। जो ऊपर वाला इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स क्या चीज है, एक्स क्या चीज है, ये कॉलम वेक्टर है ए वन वन ए वन टू और ए एन एन, ठीक ना? और
ई क्या चीज है यहाँ पे, मतलब इसमें इस नोटेशन में लिखा जाए इसको C11, C12 एंड सो ऑन CNN। देखिए ठीक है ये, जो चेक करिए AX, AX मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा जो लिखा हुआ है। अगर ए इसको लें, एक्स इसको लें, ए इसको लें और एक्स इसको लें, कोई बोलेगा यस सर, आ जाएगी सर। तो मतलब ये जो आपका प्रॉब्लम है इसको हम कुछ सिंपलीफाई करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो इससे ये क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, यही बात कर रहे हैं ना। यस सर। और सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन इज ए सब स्पेस, एग्री? यस सर। तो ये सब स्पेस है ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस, तो ये सब स्पेस हो गए, तो ये तो रिजल्ट से ही प्रूफ है। डन। यस सर। दूसरा नंबर लिखते हैं इस पे, इसी पे हम दूसरा लिखते हैं, सेकेंड नंबर, कि अगर आइडेंटिफाई करिएगा आप लोग ध्यान से कि ऑल दोज मैट्रिसेस, आपको आइडेंटिफाई करना है ऑल दोज मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन सच दैट जे इज इक्वल टू 1 to n, ठीक, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई। ये जो सेट है इसको नाम मैंने क्या दिया था, u1, इसको नाम दे देता हूँ u2। तो ये जो सेट है क्या ये सब स्पेस है? तो पहले तो इसे 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 कोई मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? सर जितने भी रोज हैं उनका जो सम है वो इक्वल टू 0 है। मतलब इसे अगर हम मैट्रिक्स लिखना चाहें ऐसे A11, A12, A13 और ऐसे ही A1n, A21, A22, A23, A2n, AN1, AN2, AN3 और ANN। तो आपका कहना ये है कि ये बता रहा है कि ये उन मैट्रिसेस का कलेक्शन है जिनकी ईच रो का जो सम है, ठीक है, वो 0 है, द सम ऑफ ईच रो, यही बोल रहे हैं ना, यस सर। 0। मतलब सेकेंड रो का सम भी 0 है फिर, क्यों? यस सर। फर्स्ट रो का सम 0 है, थर्ड रो, सेकेंड रो का सम 0 है, ऐसे इस रो का सम 0 है, nth रो का सम 0 है, यही बोल रहे हैं ना। मतलब द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस वेयर द सम ऑफ ईच रो इज इक्वल टू 0, यही ना। यस सर। तो ये भी तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, देखिए ध्यान से।
ये भी तो होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन नहीं नजर आ रहा है। यस सर, होगा सर ये सब स्पेस। ये भी तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। एग्री? हाँ जी सर। तो चलिए ये भी सब स्पेस हो गया। थोड़ा सा अगर हम बात करते, मान लीजिए इसी चीज को हम ऐसे कहते कि ये U3 लिया जाए, कुछ ऐसे लिया जाता, ऑल दोज मैट्रिसेस ये बता दे, ऑल दोज मैट्रिसेस सच दैट सम ऑफ, अभी तो रो की बात कर रहे थे ना, यस अब सर। कॉलम कॉलम सम जो है 1 to n aij इज इक्वल टू 0 फॉर ईच जे। तो ये कह रहा है ऑल दोज मैट्रिसेस वेयर द सम ऑफ ईच कॉलम इज 0। तब ये भी बन जाएगा सर सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। ये भी हो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। डन, तो ये भी सब स्पेस हो गया। एग्री? यस सर। अब हम एक और बात करें, हम ये कहें कि हम बात करें कि ऑल दोज मैट्रिसेस मैट्रिसेस हुज सम ऑफ ईच रो इज 0, सम ऑफ ईच रो इज 0 फॉर एवरी आई, सम ऑफ ईच रो इज 0, एंड दूसरी कंडीशन भी जोड़ देते हैं, दोनों इन दोनों को साथ कर देते हैं, एंड आई इज इक्वल टू 1 to n, सम ऑफ ईच कॉलम इज आल्सो 0, सम ऑफ ईच कॉलम इज आल्सो 0। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये भी बन जाएगा सर सबस्पेस, क्योंकि ये भी सिस्टम ऑफ होमोजेनियस। लीनियर। बस तो ये एक्चुअली मैं आप लोगों को फोकस करना चाहता था उस एग्जाम्पल पे बेस्ड, जो एग्जाम्पल था ये, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल था इसको, इस पे बेस्ड मैं आपको बताना चाहता था कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे आप होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। एग्री? यस सर। कुछ और बात करें, कितने चार हो गए थे ना एग्जाम्पल, चार नंबर लिखा था मैंने, यस सर। लास्ट वाला फोर्थ था। फोर्थ के बाद अब देखते हैं हम लोग फिफ्थ। U5 ऑल दोज मैट्रिसेस, ये थोड़ा अलग है, ऑल दोज मैट्रिसेस हूज ट्रेस इज 0, हूज ट्रेस इज 0 whose trace is 0, ठीक है, ये सब स्पेस है या नहीं?
कोई और कोई बताना चाहेगा? होगा सर, ये भी बन जाएगा ना सर, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ट्रेस ऑफ ए। यस सर, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहाँ से आ गया इसमें? इसमें कहाँ से आ गया? देखिए, इसमें तो एक ही इक्वेशन है ना, डायगोनल एलिमेंट का सम ट्रेस कहलाता है। यहां तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है, बहुत सारे नहीं है। इसके पहले सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन था, यहाँ पे तो सिर्फ ये है कि वो मैट्रिसेस जिनके डायगोनल का सम जीरो होता है, क्या वो सब स्पेस हैं या नहीं है, ये बताना है आपने। सिद्धार्थ हैं? यस सर। सिद्धार्थ बताइए, यस या नो? चलिए बताइए, मतलब मान लीजिए कि जो है कि नहीं पता आपको, तो नहीं पता तो करना क्या पड़ेगा हमें? दो मैट्रिसेस लीजिए, ठीक है? मैट्रिसेस लूं? यस सर। एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, ए इज इक्वल टू वन टू क्रॉस टू ले रहा हूं ना, 1000। इसका ट्रेस कितना है? इसका ट्रेस कितना है? वन तो मतलब इसका एलिमेंट नहीं होगा फिर, जिसका मतलब ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ यू फाइव। एग्री? सर, 0 की जगह माइनस यस वन कर सर। दीजिए, हो जाएगा। हाँ, मतलब फिलहाल अभी तो नहीं है ना। यस सर। ओके, ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ यू फाइव इफ, इसका मीनिंग हुआ ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। एग्री? ए और बी अगर इसके एलिमेंट हैं तो दोनों का ट्रेस जीरो होगा। यस सर। ट्रेस ए जीरो है, इसका मतलब आप समझ गए कि ए इज एलिमेंट ऑफ यू फाइव। ट्रेस बी जीरो है, इसका मतलब आप समझ गए कि बी इज एलिमेंट ऑफ यू फाइव। तो आपको दिखाना है कि क्या लेमडा ए प्लस बी यू फाइव का एलिमेंट होगा या नहीं, बिलोंग्स टू यू फाइव, यस या नो। अगर आपका आंसर यस है तो, अगर आपका आंसर यस है देन इट मीन्स व्हाट सिद्धार्थ? सर इसका मतलब ये सब स्पेस होगा। सब स्पेस होगा, लेकिन अगर नो है तो इसका मतलब नो सब स्पेस, ये ना। तो यस सर। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये यू फाइव का एलिमेंट है या नहीं? तो हमें निकालना पड़ेगा इनका ट्रेस। क्यों? यस सर। ट्रेस ऑफ लेमडा ए प्लस बी। लेमडा क्या चीज है? स्केलर है सर। कोई फिक्स्ड स्केलर है, ठीक। तो ट्रेस की प्रॉपर्टी जरा यूज करिए, ये मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, इसको क्या लिख सकते हैं? लेमडा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। बोलिए। यस सर। स्ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ बी। अब मुझे बता दीजिए, ए किसका एलिमेंट था?
श्री नहीं फाइव होगा, है, ये बनेगा सर जीरो सबस्पेस। हुआ, जीरो यस हुआ, सर, यस ये सही है, जीरो हुआ। यस सर, यस सर। तो लेमडा ए प्लस बी का सिद्धार्थ ट्रेस जो है जीरो हो गया, तो क्या लेमडा ए प्लस बी हम कहें कि ये यू फाइव का एलिमेंट है, यस या नो? यस सर, ठीक है, तो दिस इज द सब स्पेस। आया समझ? यस सर। हितेश, कोई डाउट है क्या आपको? सर हाँ, कोई डाउट है? सर, जैसे अगर मैं ए को 100 माइनस 1 रखता हूँ, 1 मिनट ले रख लीजिए, 1 मिनट। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? बोलिए। सर ए जैसे 100 माइनस 1, ए वन वन जीरो 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 माइनस वन, बस ठीक है। बी 200 माइनस 2, 2 0 जीरो माइनस टू, ठीक है। यस ये दोनों इसके एलिमेंट हैं, ए और बी दोनों जो है यू फाइव के एलिमेंट हैं। यस सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं क्योंकि दोनों का ट्रेस जो है जीरो हो रहा है। यस सर, अब आप बताएं। माइनस वन होता हूँ। यस, अब इसके बाद क्या कहना चाहेंगे आप? लेमडा को आप क्या लेना सर चाहेंगे? माइनस वन, -1 ले लीजिए। और आप ये चेक करना चाहते हैं कि -1 इंटू ए प्लस बी, ओके, प्लस बी ये क्या आएगा? यस सर, तो ये क्या आएगा? ये आएगा -1 जीरो ओके सर, जीरो। सर मैं माइनस की गलती करी है, नहीं नहीं अभी पूरा करने दीजिए। सर ओके, मैं तेरे इतना इतना बढ़िया आपको कहावत बोली है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब जानते हैं इसका आपको? नहीं सर, समक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। नहीं, चलिए आप लोग अपने तरीके समझेंगे, आप लोग की लैंग्वेज में कुछ और कहा जाता होगा, तो आपके यहाँ कुछ और किस नाम से प्रचलित होगा ये। सर ये बन गया ऊपर 1 और नीचे माइनस 1, फिर 0 आ गया। जब आप देखिए, जब आपने ये प्रूफ कर दिया ना, तो उसके बाद तो मतलब जब आपको जब आपने इसके जनरल जनरल वे को प्रूफ कर दिया ना, जनरल कॉन्सेप्ट, तो आप रखते रहिए, ये भी कुछ भी रखते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यस सर ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख गया, यहाँ पे आपका दिख गया ना कि लेमडा से इंडिपेंडेंट है, आप रखते रहिए, क्या फर्क पड़ता है, ये जीरो ही है। यस सर, ठीक नहीं ठीक है, ये ऐसे डाउट्स आने चाहिए। तो कितने पे पहुंचे हम लोग, किस क्या लिखे थे मैंने? यू फाइव लिखा, ठीक है। यू फाइव के बाद आता है यू सिक्स, एक नया सेट। आप लोगों ने गिल्बर्ट स्ट्रैंग का लेक्चर सुना? किसी ने सुना? छह छह वीडियो लेक्चर हैं उस उनके एमआईटी में, जो मैंने आप लोग को शेयर किया था लिंक। किसी ने सुना? पीयूष, सर इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा वो तो सुना था मैंने, एक ही सुना था सर, एक ही सुना था? यस सर, फर्स्ट पै, वाला पै। इंट्रोडक्शन। चलिए कोई बात नहीं, छह ही तो है बस, ठीक है, सुनिएगा जब भी समय मिले आप लोगों को। ओके सर, तो पहले लेक्चर में जो बताया गया था उसको क्या बताया गया था, क्या उन्होंने बताया? गिल्बर्ट स्टैंग के फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया गया? गिल्बर्ट स्टैंग ने क्या बताया? मैट्रिक्स के बारे में बता रहे सर, मैट्रिक्स के बारे में बता रहे थे? उन्होंने तो कुछ दूसरा भी लिखा था, उन्होंने लिखा कि न्यू वे टू स्टार्ट लीनियर अलजेब्रा। ध्यान से नहीं सुना? सिद्धार्थ सुना आपने? सर मैंने
उनकी और वीडियो देखी थी, एक फर्स्ट लेक्चर, उसमें सर वो बता रहे थे रो स्पेस और कॉलम स्पेस के बारे में। तो ये 6 ही वीडियो तो है ये। सर मतलब मैंने अलग से देखा था, मतलब जो आपने ग्रुप में सेंड किया वो वाला नहीं देखा है सर। अरे वही है, वो सब अलग अलग करके भी होगा लेकिन है वही, वो MIT का ओपन कोर्सवेयर का लेक्चर है वो, यस सर। तो 6 लेक्चर आई थिंक गिल्बर्ट स्ट्रैंग ने दिए हैं। तो 6 में जो जैसे YouTube वगैरह पे आपको अलग अलग करके आ रहा होगा ना, लेकिन जो MIT का ओपन कोर्सवेयर है वहां पे वो 6 लेक्चर एक साथ है जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है, 6 ही है ना। यस सर, यही तो सर फर्स्ट तो में। फर्स्ट लेक्चर जो था सिद्धार्थ, जी तो आप सर, देखेंगे तो पूरा ग्रुप में लिखा 1 2 3 4 5 6। तो पहला लेक्चर है हाउ टू स्टार्ट लीनियर अलजेब्रा। चलिए आप लोग फिर पढ़िएगा, फिर सुनिएगा एक बार, 4 या 5 मिनट का तो है अधिक से अधिक ना। यस सर, 4 मिनट कुछ चार, है। हाँ 4 मिनट समथिंग है, तो सुनिएगा, अगर 4 मिनट का टाइम मिलेगा आपको तो कल सुनिएगा, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। जब पहले सुन तो लें आप लोग, फिर डिस्कस किया जाएगा। सर एक उनका पूरा कोर्स भी है लीनियर अल्जेब्रा पे, पूरा कोर्स है जो ये सर 45 मिनट के लेक्चर है सर, वो शायद 21 या 22 है। टोटल लेक्चर। ये सर, सर मैंने उसकी फर्स्ट वीडियो देखी थी तो मैं उसका बता रहा था नहीं वही कह रहे कि सर। जो गिल्बर्ट स्ट्रेंज की बुक है ना सर, अच्छा उसमें ये आप जो है लेक्चर जो है जो मैंने शेयर किया लिंक उसको चेक करिए एक बार, जो मैंने शेयर किया उसको चेक करिएगा, फिर आप उसके बाद में डिस्कस किया जाएगा कि क्या आपने इनमें से कोई वीडियो देखा है या कुछ और। ओके सर। ठीक है, एक बार चेक करिएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं कि द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन हुज स्ट्रेस इज 1। तो बताइए इज इट सब स्पेस आर नॉट। अभी ट्रेस 0 लिया था है, नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा। क्योंकि सर इसमें 0 वेक्टर ही नहीं आएगा सर, 0 मैट्रिक्स। किसका मतलब ये है कि यहां पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2x2 की बात करें तो ये 0 वेक्टर इसका एलिमेंट होगा ही नहीं, यानी 0 मैट्रिक्स इसकी एलिमेंट होगी ही नहीं, है ना, क्योंकि इसका यस ट्रेस जो सर, है, इसका ट्रेस जो है वो यस सर, 0 है। तो क्लियर कट में ये सब स्पेस नहीं हुआ ना। अच्छा यहाँ पे अगर मैं ये लिखता फॉर एग्जाम्पल, तब भी आप लोग का आंसर यही रहता इज नॉन जीरो, यस सर, मैं लिखता कि ऑल दोज मैट्रिसेस हुज ट्रेस इज नॉट जीरो, तब भी आप यही कहते यस या नो, यस सर, तभी ये सब स्पेस नहीं होता। यस सर, तो मतलब ये कि अगर ये ट्रेस 0 है तब तो सब स्पेस होगा, लेकिन अगर ट्रेस नॉट 0 है तो सब स्पेस नहीं होगा, यही कहना चाह रहे ना, क्योंकि यस सर, इसमें 0 वेक्टर ही गायब हो जाएगा। U6 के बाद हम बात करें U7। U7 इज ऑल दोज स्क्वायर मैट्रिसेस हुज डिटर्मिनेंट इज 0, मतलब सिंगुलर मैट्रिसेस।
डिटरमिनेंट जीरो को सिंगुलर कहते हैं ना, यस सर, ये सब स्पेस हो गए नहीं। हो जाएगा सर ये, क्योंकि सर अगर लैम्डा इंटू ए प्लस बी करेंगे तो इक्वल टू सर वो जैसे उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखिए, एक मिनट, टू क्रॉस टू लेते हैं, एक लेते हैं हम, वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो, ठीक है, बिलोंग कर रहा है यूसीएल से, बिलोंग कर रहा यस सिद्धार्थ यूसीएल से, सर। क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जीरो है। दूसरा लेता हूं, जीरो 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 वन, ये बिलोंग कर रहा है यस सर। क्योंकि ये भी डिटरमिनेंट जीरो है। ओके, व्हाट इज ए प्लस बी, वन जीरो जीरो वन, अभी बिलोंग कर रहा नो सर। है। क्यों नहीं बिलोंग किया, अभी डिटरमिनेंट नॉट जीरो। तो आप कह रहे थे कि जनरल हो जाएगा। यस सर, लग गया था पता सर उस टाइम। मतलब दिस इज नॉट सब स्पेस, क्योंकि ये तो क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन ही नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट सब स्पेस। अभी तो कहा कि ये सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में बात हुई, अब अगर यही कह देते कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, यू एट कह दें, यू एट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर द रियल फील्ड सच दैट डिटर्मिनेंट ए इज नॉट जीरो, नॉट जीरो मतलब नॉन सिंगुलर। अब ये तो होगा ही नहीं सर, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, जीरो वेक्टर ही नहीं आएगा सर इसमें। पकड़ लेते हैं आप लोग, जीरो वेक्टर नहीं आएगा। चलिए तो गुड, थोड़ा और इसको पढ़ाया जाए आगे। यू एट के बाद यू नाइन की बात करें हम, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस हुज स्क्वायर इज आइडेंटिटी, इसको कुछ नाम दिया जाता है, ए आइडेंपोटेंस स्क्वायर। मैट्रिक्स हाँ ठीक है, तो ये द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस हुज स्क्वायर इज आइडेंटिटी, ये सब स्पेस होगा या नहीं, सब स्पेस ऑफ मैट्रिसेस मतलब एम एन आर, यस या नो। कोई बता दे, स्मृति स्मृति है, आवाज नहीं आ रही, कोई विक्रम बताएं, विक्रम गुड यस सर, गुड मॉर्निंग। आई मॉर्निंग, ये सब स्पेस होगा। थिंक नो सर। मतलब रीजन रीजन
अगर मैं जनरल केस के लिए प्रूव करूँ तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB आएगा, तो 2AB के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इससे कि वो आई के इक्वल ये होगा या नहीं होगा। मतलब आप कहना चाहते हैं इसे कुछ थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करें कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें तो ए प्लस ए तो बिलोंग कर रहा है ना इससे, ए तो बिलोंग कर रहा है U9 से, सर लेकिन ए प्लस ए चेक करते हैं बिलोंग करता है कि नहीं। ए प्लस ए मतलब ए प्लस ए का होल स्क्वायर अगर आप कह रहे हैं तो क्या आएगा, 2A का होल स्क्वायर। 2A का होल स्क्वायर मतलब फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया फोर टाइम्स आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हुआ कि ए प्लस ए बिलोंग नहीं कर रहा है, ए तो बिलोंग कर रहा है बट ए प्लस ए बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इन जनरल ए प्लस ए नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी भी बिलोंग नहीं करेगा। यही कह रहे हैं ना, यस सर, सिंपल सी बात है कि हाँ ए प्लस ए जो है, ए तो एलिमेंट है लेकिन ए प्लस ए करने पे ये U9 का एलिमेंट नहीं है। तो सब स्पेस नहीं है। गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट U10। ऑल दोज स्क्वायर मैट्रिसेस वर द रियल फील्ड सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसको क्या कहते हैं, यूज इसको क्या बोलते हैं, सर यहां था ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, तो आपने क्या बताया था इसको, और आइडेम्पोटेंट इसको क्या बताएंगे, अभी याद नहीं आ रहा है। किसी और को याद होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, चल ढूंढ के बताइएगा, ठीक है ढूंढ के बताइएगा किसको क्या बोलते हैं। तो ये सब स्पेस है या नहीं, यस या नो, सिद्धार्थ आंसर दीजिए। यस सर होगा। कैसे, नहीं सर ये नहीं होगा सर, सेम पिछला अगर हम पिछले जैसा U9 को हम चेक किया था उस तरह से फिर सेम सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करिए, फिर यहाँ पे नहीं होगा। नहीं होगा सर। ठीक है, यस सर। ठीक, U11 बताइए। U11 लिख रहा हूँ नया, इसको मैं लिखता हूँ ऑल दोज मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर द रियल फील्ड सच दैट kth पावर ऑफ ए इज जीरो फॉर सम की बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सब स्पेस होगा, इसको क्या बोलते हैं। सर
जो सर ऊपर वाला सर इसको बोलते हैं ना आइडेंपोटेंट शायद, और जो सर पीछे था उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो सर सर ए अब स्क्वायर इक्वल टू ए जो है ये हेड इम्पोर्टेंट, यस सर, और ये सर ये इन्वोल्यूटरी है। तो आपने उल्टा बोला, गलत था ये ना, यस सर, इन्वोल्यूट्री। ठीक है, याद रहना चाहिए ना, ये इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स की बारे में बात ये हो रही है, एडिपोटेंट, ये आइडिम्पोटेंट की बारे में बात हो रही है, हाँ और नीचे वाले सर नीलपोटेंट। ये निलपोटेंट। ठीक, इसको निलपोटेंट कहते हैं, और निलपोटेंसी की जो ऑर्डर है वो के है, मतलब नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के, मतलब kth पावर करने पे जीरो हो जाता है। ठीक है, बताइए आगे। ये सब स्पेस है या नहीं? यस या नो? आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। सब स्पेस है या नहीं? kth पावर की बात हो रही है, तो यहां फॉर एग्जाम्पल k इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे लीजिए, तो यहाँ पे अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ जो मैंने पहले लिया था बेसिक एग्जांपल 1 0 0 0, तो ए स्क्वायर क्या आएगा इसका? ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। से नहीं होगा, नहीं होगा सर। अब हो जाएगा, अब बताइए। ए सर स्क्वायर, अभी चलिए अब दूसरा लेता हूं, बी इज इक्वल टू 0 0 0 1, क्या बी स्क्वायर 0 होगा? नो सर, सर ये बी स्क्वायर बी हो जाएगा सर। चलिए फिर देख लीजिए आप। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, हो गया 0 ना, तो इसका मतलब ये U11 का एलिमेंट है और ये U11 का एलिमेंट है, ये दोनों U11 के एलिमेंट है, डन। क्यों विक्रम, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों U11 के एलिमेंट हैं, एग्री हैं? यस सर, अब ये चेक करिए कि क्या इनका सम भी U11 का एलिमेंट होगा, ए प्लस बी भी U11 का होगा या नहीं, होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा ये चेक कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर 0 आता है या नहीं। चेक करना पड़ेगा कि 0 आता है कि नहीं, क्या आएगा वैसे, ये 0 1 1 0 इसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा सर। 0 1 1 0, तो मतलब 0 नहीं आया, यस सर, 0 मैट्रिक्स नहीं आई। बात सुनाई कि आपने ए लिया निलपोटेंट मैट्रिक्स,
ऑफ ऑर्डर टू, बी लिया निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, लेकिन इनका जो सम हुआ वो निलपोटेंट नहीं हुआ। मतलब कि ये जो सेट है दिस इज नॉट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है। इसका मतलब यू एलेवन इज नॉट सब स्पेस ऑफ एम एन, एग्री? यस सर, तभी देखिए कितना कितना सारा एग्जाम्पल किया। अभी आप देखिए यहाँ पे यू एट नहीं था, यू नाइन नहीं था, मतलब यूनिलोटरी मैट्रिक्स का जो कलेक्शन है वो सब स्पेस नहीं है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन निलपोटेंट सब स्पेस नहीं है। फिर आपने देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कलेक्शन सब स्पेस नहीं है, निलपोटेंट मैट्रिक्स का कलेक्शन सब स्पेस नहीं है। तो मतलब सब नहीं नहीं वाले हैं, देखिए ना ध्यान से कितने सारे नहीं वाले हैं, दिख यस सर, रहा आपको? मतलब देखिए लाइन से, ये ट्रेस नॉन जीरो नहीं है, यू सिक्स यू सेवन बता रहा हूँ, यू सिक्स यू सेवन यू एट यू नाइन यू टेन यू एलेवन, अब हम लोग बात करें यू ट्वेल्व की, थोड़ा सा कुछ अलग करें कि द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर द रियल फील्ड सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए प्लस द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोला जाएगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, स्क्यूज मैट्रिक। मतलब द सेट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, द सेट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्लस द सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ये सब स्पेस होगा या नहीं? सर होगा ये तो M1 ही हो जाएगा सर। ये भी सब स्पेस है और ये भी सब स्पेस है, ठीक है ना? यस मैं सर, दूसरे तरीके, मैं दोनों तरह से कह रहा हूँ कि आपने ठीक बोला कि मन हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब स्पेस है ये भी सब स्पेस है, तो इनका जो लीनियर सम है वो भी सब स्पेस होगा, क्यों? यस सर, तो ये सब स्पेस है। थोड़ा सा और इसको कंटिन्यू करें, फिर उसके बाद आगे दूसरे टॉपिक पे पहुंचेंगे हम लोग। यू 12 के बाद हो गया यू 13, यू 13, यू 13, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं आप लोग, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑल सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसे क्या बोलते हैं? ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल कहाँ बोलते हैं, यस सर, वही। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये ऑर्थोनॉर्मल अलग चीज है। ऑर्थोगोनल ही बोला था सर मैंने। अच्छा नहीं, मुझे ऑर्थो नॉर्मल सुनाई दिया, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब ये द सेट ऑफ, जैसे ये कह रहे थे द सेट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, इसी तरह से बता रहे थे इनलोटरी मैट्रिसेस आइडेंटिपोटेंट मैट्रिसेस निलपोटेंट मैट्रिसेस, तो उसी तरह से ये आपका द सेट ऑफ आर्थोगोनल मैट्रिसेस,
तो क्या द सेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ये सब स्पेस है या नहीं? सब स्पेस है या नहीं? बताते रहिएगा, मैं और लिख देता हूं ना छोटा सा. ऑल दोज मैट्रिसेस इसे लिख देता हूँ सीधा सीधा. द सेट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस. ये तो जानते होंगे आप लोग, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर द सेट ऑफ ऑल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस. पहला लिखा है मैंने द सेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, द सेट ऑफ ऑल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, U15 द सेट ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस. स्केलर मैट्रिसेस क्या होता है? सर डायगनल मैट्रिक्स जिसका डायगनल फिक्स हो। मैट्रिसेस. तो आपको बताना है कि U13 सब स्पेस है या नहीं. ठीक, U14 सब स्पेस है कि नहीं, U15 सब स्पेस है कि नहीं. मैट्रिसेस से थोड़ा बाहर निकले, बहुत बोरिंग हो गया. नहीं, मैट्रिसेस से थोड़ा बाहर निकलते हैं. लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस. थोड़ा बाहर निकले हम लोग ना यहां से, फिर आ जाएगा एक्चुअली मैट्रिसेस पे. ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस इसका मतलब ऑल दोज फंक्शंस हूज डोमेन इज नेचुरल नंबर. ये रियल सीक्वेंस लिया गया है, रियल सीक्वेंस का वेक्टर स्पेस फॉर्म किया गया है. आपको दिया जा रहा है देन प्रूव दैट. मैं लिखता हूं देन प्रूव दैट. W1 इज इक्वल टू द सीक्वेंस सच दैट कन्वर्जेड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी EN इज इक्वल टू 0. एक ये लिया गया, ये आपका वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस हैं. तो W1 डिफाइन किया जा रहा है ओवर V और W2 डिफाइन किया जा रहा है ओवर V. ऑल दो सीक्वेंसेस सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज फाइनाइट.
देन प्रूव दैट डब्ल्यू एन एंड डब्ल्यू टू आर सब स्पेसेस. प्रूफ करना है आपको कि सब स्पेसेस हैं ऑफ वेक्टर स्पेस वी. एंड ये भी बताना है कि डब्ल्यू टू इज कंटेन्ड इन डब्ल्यू वन. डब्ल्यू टू इज कंटेन्ड इन डब्ल्यू वन. डब्ल्यू टू देख लीजिए क्या है. डब्ल्यू टू ये है ऑल दोज. इसका एक अपना इस सब स्पेस का एक अपना एक इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो जो लोग फंक्शनल पढ़ रहे होंगे, जो लोग कहीं एफ ई एफ में इस तरह का चीज़ देखते होंगे, इस तरह का कहीं देखा आप लोगों ने, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज फाइनाइट, कहीं सुना आप लोगों ने इस तरह का थर्ड सेमेस्टर वाले कहीं देखे इस तरह का? सर इंटीग्रल में देखा था, मतलब ये स्क्वायर आप इंटीग्रल हाँ एल इसको स्क्वायर स्पेस. हाँ एल टू स्पेस स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन. तो आप इसमें देखेंगे तो इस तरह इसका अलग एक इम्पोर्टेंस है इस स्पेसेस का. तो खैर, तो यहाँ सीक्वेंस स्पेस की बात हो रही है, आपको वहां फंक्शन स्पेस की बात की जाती है. तो पहला देख लीजिए, एक तो ये है और डब्ल्यू टू ये है. तो आपको बताना है कि दोनों सब स्पेस हैं और डब्ल्यू टू कंटेन्ड है डब्ल्यू वन में. ठीक है, तो अब इतना आप लोग प्रैक्टिस करिए और आप लोग को उसके बाद कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, जो भी डाउट हो आप लोगों की.